Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये आपके जीएसटी के सिलेबस के अंदर यूनिट वन मॉड्यूल के अंदर एक चैप्टर दिया गया है। जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर का श्री गणेश करेंगे, यानी कि हम समझेंगे इंट्रोडक्शन कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है और इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू क्या है, मतलब इसमें कितने सेक्शंस हैं, हर सेक्शन का यहाँ पर क्या हेडिंग है, उनको आपको कैसे कनेक्ट करना है और कौन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कुछ चीज़ें इंट्रोडक्शन के थ्रू हम समझेंगे यहाँ पर, जिसके साथ में हम देखेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है एंड अदर रिलेटेड डेफिनेशंस जो इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है, वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन। लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, जब हम बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में, तो पहले हमने पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में भी थोड़ा सा इसको समझा है। कहीं ना कहीं पिछले दो तीन चैप्टर्स में हमने जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट का जिक्र तो आ ही जाता है, तो वहाँ पर हमने इसका बेसिक मतलब तो समझा है। इतना ही नहीं, हमने उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है आईटीसी का, वो भी हम वेरियस चैप्टर्स के थ्रू पहले से समझ चुके हैं। इस चैप्टर के अंदर मेनली हमें ये समझना है कि आईटीसी को, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को कौन क्लेम कर सकता है, कौन एलिजिबल है, क्या क्या कंडीशंस और रूल्स उसको फॉलो करने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, साथ में हमें यह भी देखना होगा कि अगर आईटीसी को हमें कुछ प्रोपोर्शनेट बेसिस पर डिवाइड करना है तो वो अपोर्शनमेंट कैसे होगा आईटीसी का, वो भी हम इसी चैप्टर में देखेंगे। इस तरीके से हम बहुत सारे अलग अलग स्पेशल सरकमस्टांसिस के अंदर आईटीसी को कैसे हमें डिवाइड करना है, चार्ज करना है, क्रेडिट यूज करना है, ये सब पॉइंट्स इस चैप्टर के अंदर यूज किए जाएंगे। सो इन्हीं सब पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। लेट्स सी, सो व्हाट वी विल स्टडी इन दिस वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, मतलब कि यहाँ पर मेनली तीन सेक्शंस है जो हमें यहाँ पर डिस्कस करने होंगे, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ दिया है, उनका ही हम ओवरव्यू और फ्लो ऑफ द चैप्टर इस पॉइंट के अंदर देखेंगे। उसके बाद में वी विल सी व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब कि यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना होगा डेफिनेशन कि आखिरकार ये आईटीसी है क्या। आईटीसी के साथ में कुछ रिलेटेड डेफिनेशंस हमको और देखनी पड़ेगी, वो कौन सी हो सकती है। बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो आपके मॉड्यूल में दी गई है, हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है और समझाने लायक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगी तो उनको हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। सो जैसे इनवर्ड सप्लाई है, एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको इसके साथ में देखनी होगी। और भी दूसरी डेफिनेशन हम साथ में देखेंगे कि एग्जम्प्ट सप्लाई क्या होता है, इनवर्ड सप्लाई क्या होता है, आईटीसी तो हमने देख ही लिया है। देन वी विल सी गुड्स में क्या आएगा, गुड्स में अगर कैपिटल गुड्स आता है कि नहीं आता है, ये क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस तरीके की हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन वाली चीज़ें और ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर इस पूरे वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट विल बी कवर्ड, लेट्स सी ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। अब दोस्तों इस पूरे चैप्टर की हम बात करेंगे आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसके अंदर क्या क्या कवर है। सो ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन देखा जाएगा कि जहाँ पर आईटीसी आखिरकार ये है क्या, मीन्स व्हाट इज़ आईटीसी, इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन को ब्रेक करके हम समझेंगे कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स कवर किए गए हैं, किस किस चीज़ का क्रेडिट यहाँ पर बात की जाएगी और उसकी यूटिलाइजेशन की बात यहाँ पर हम नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ आईटीसी क्या है वो समझेंगे, यूटिलाइजेशन तो अलग से एक टॉपिक है इस पूरे चैप्टर के अंदर। उसके बाद में इनपुट सर्विसेज क्या होती है, इनवर्ड सप्लाई क्या होती है, इतना ही नहीं एग्जम्प्ट सप्लाई क्या होती है, गुड्स का मतलब यहाँ पर क्या है, ये सब चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई वो सब हम इंट्रोडक्शन में कवर करने वाले हैं, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर टोटल आपको तीन सेक्शंस देखने होंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। पहला है सेक्शन नंबर 16, दूसरा है 17 और तीसरा है 18। सबके साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है विथ रूल्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ये तो एक्ट के सेक्शंस हैं, साथ ही में यहाँ पर कुछ रूल्स चलेंगे सीजीएसटी के,
जो आपको यहाँ पर इनके साथ में सपोर्ट करेंगे कि जो एक्स्ट्रा कंडीशंस होती है वो हमेशा रूल्स के अंदर स्पेसिफाई की जाती है। क्यों? क्योंकि रूल्स को चेंज करना काफ़ी ईजी रहता है, अमेंड करना ईजी रहता है। सो गवर्नमेंट यहाँ पर रूल्स में काफ़ी स्पेशल कंडीशंस डालती है जिनको टाइम टू टाइम में चेंज करना पड़ता है। सो सेक्शन नंबर 16 के साथ में रूल्स है 36 एंड 37। अब यहाँ पे सबसे पहले 16 बात करता है वेरियस कंडीशंस एंड एलिजिबिलिटी। 16 सबसे बेसिक सेक्शन है, वो ये बता रहा है कि ITC कौन क्लेम कर सकता है, मतलब कि कौन पर्सन एलिजिबल होगा, और अगर वो एलिजिबल है भी तो कौन कौन सी कंडीशंस है जो उसको फॉलो करनी होगी। सो एलिजिबिलिटी मतलब कि कौन पर्सन एलिजिबल होगा, जिसके पास में इतना टर्नओवर है ऐसा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या फिर जिसके पास में कुछ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो कुछ कंडीशंस है, ऐसे चार कंडीशंस को फॉलो अगर आप करते हैं तो फिर आपको पता रहेगा कि यस यू आर एलिजिबल एंड यू कैन यूज़ योर ITC एज क्रेडिट। तो ये सिंपल सी बात है जो सेक्शन नंबर 16 आपसे बात करेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 17, ये बात करता है अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट का जो अमाउंट आपके पास में रखा हुआ है उसको डिवाइड करना गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए, जो आपके इनपुट गुड्स है, इनपुट सर्विसेज है, कुछ आपने बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ किया होगा, कुछ आपने नॉन बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ किया होगा। तो जितना भी अमाउंट आपके पास में रखा हुआ है उसको सही तरीके से अपोर्शनमेंट करके उनको यूज़ करना, कितना यूज़ कर पाएंगे, कितना लैप्स हो जाएगा, क्या आप क्रेडिट जैसे यूज़ नहीं कर सकते हो, ये सब पॉइंट सेक्शन नंबर 17 में यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि हर एक एक्ट के अंदर, टैक्सेशन के अंदर हमने देखा है कि नेगेटिव लिस्ट होती है। जैसे आपने सर्विस टैक्स में पहले देखा था कि नेगेटिव लिस्ट है, GST में इन इटसेल्फ हमने देखा है कि इतने कुछ ऐसे सेक्शंस में आपको यहाँ बात बताई गई है, जैसे शेड्यूल 3 में हमने नेगेटिव लिस्ट डिस्कस करी है कि इन प्रोडक्ट्स के ऊपर GST नहीं लगता है, ये अभी नोटिफाई नहीं किए गए हैं, वॉट एवर मे बी द केस। उस तरीके से यहाँ पर भी उन्होंने बोल रखा है कि अगर आप ITC की बात करते हैं, सो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो कुछ आइटम्स पे ब्लॉक कर दिया गया है, यानी कि आप बिल्कुल भी उन आइटम्स के अगेंस्ट आपने टैक्स अगर दिया है तो आप ब्लॉक्ड आइटम से, वो मतलब आप उनके अगेंस्ट जो आपने टैक्स दिया है उसको ITC जैसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो वो आइटम्स कौन से हैं वो यहाँ पर कवर होगा, ब्लॉक्ड आइटम्स ऑन विच ITC इज़ नॉट अवेलेबल, सीधी सी बात है। तो ये हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेकेंड में ये दोनों सेक्शंस कवर होने वाले हैं और फर्स्ट में हमारा ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन हुआ है। देन एट लास्ट जो हमारा फोर्थ टॉपिक रहेगा, दैट वुड बी सेक्शन नंबर 18 विथ रूल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कुछ स्पेशल दो केसेस के बारे में बात करता है कि अगर ये केसेस होते हैं, रिवर्सल का है और एक और दूसरा है, उन केसेस में आप क्रेडिट को कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से 16, 17 और 18 ये तीन सेक्शंस में पूरा चैप्टर डिवाइडेड है, रूल्स के साथ में डिवाइडेड है, ब्लॉक्ड आइटम्स की लिस्ट भी हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है और स्टार्टिंग में हमको इंट्रोडक्शन डिस्कस करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये देखने के बाद में ओवरव्यू हमारा कंप्लीट होता है और अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में ITC है क्या, उसको समझते हैं, लेट्स सी। अब दोस्तों इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC हम समझने वाले हैं, तो पहले ये डेफिनेशन हम समझे, उससे पहले हम समझते हैं कि पहले क्या जो टैक्सेशन रेजिम चलती थी उसके अंदर क्या सिनेरियो था। तो पहले सेनवेड क्रेडिट रूल्स हुआ करते थे और साथ में स्टेट लेवल के लिए स्टेट रूल्स हुआ करते थे वैट के। तो वहाँ पर सेनवेड क्रेडिट रूल तो जो पूरा सेंट्रल लेवल पर गवर्न करता था वो उसके साथ में सेनवेड क्रेडिट में जाता था, और जो स्टेट लेवल पर ट्रांजेक्शन्स होते थे इनपुट्स के, गुड्स के, कैपिटल गुड्स के, वो स्टेट लेवल पर वैट जो था वो उसको हैंडल करता था। अब पहले दोनों के सेपरेट क्रेडिट्स को इशू किया जाता था, बट दोस्तों सेंट्रल और स्टेट इन दोनों के बीच में दिक्कत ये हुआ करती थी कि सेंट्रल का अगर आपके पास में कोई क्रेडिट रखा हुआ है सेंट्रल टैक्स का, तो वो आप यूज़ नहीं कर सकते थे टूवर्ड्स योर स्टेट टैक्स। तो इन दोनों के बीच में ये यूनिफॉर्मिटी नहीं चलती थी और इसमें आप बिल्कुल भी पूरा एक जैसा सीमलेस ट्रांजेक्शन क्रेडिट का नहीं चलता था। सो यहाँ पर फिर लाया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट को, जब GST को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हर स्टेप पर हम GST चार्ज करेंगे।
बट हर स्टेप पे जीएसटी चार्ज करते जाएंगे और पुराना जीएसटी जो आपने पे किया है उसका हम आपको क्रेडिट देते जाएंगे। मतलब कि हर स्टेप पर जीएसटी लग भी रहा है, टैक्सेबिलिटी आ भी रही है, बट बार बार कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं हो रहा है, टैक्स पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा है, बिकॉज पुराना जो टैक्स आपने दिया हुआ है उसका आपको क्रेडिट मिलते जाएगा। इस हिसाब से नया ITC को लाया गया एंड ITC इज द वेरी बैकबोन ऑफ जीएसटी। बिना ITC के जीएसटी कुछ भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर प्रोविजन ही ITC का है इन जीएसटी। तो ये मैंने आपको बताया कि पहले सिनेरियो में क्या हुआ करता था, अभी क्या हो रहा है। अब देखते हैं यहां पर डेफिनेशन क्या बोलती है। सो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्या है, इट इंक्लूड्स इन सब पॉइंट्स को, 1, 2, 3 और लास्ट में है एक्सक्लूड। ठीक है, तो क्या है ये इनपुट टैक्स क्रेडिट, इज नथिंग बट टैक्स पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज के अंदर मतलब कि जो सप्लायर रिसिपिएंट को कोई भी सामान बेच रहा है, यहाँ पर सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, फॉरवर्ड चार्ज मतलब कि आगे की तरफ जाते हुए, तो जो सप्लायर है वो टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को। फॉरवर्ड चार्ज का सिंपल सा फंडा होता है। सो फॉरवर्ड चार्ज में जो आपको टैक्स पे करना है या जो आपने टैक्स पे किया है वो आपका ITC में इन्वॉल्व होता है, सीधी सी बात है। और साथ ही में ये क्या इंक्लूड करता है, दिस ऑल्सो इंक्लूड्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। सो अगर आपने रिवर्स चार्ज में यानी कि रिसिपिएंट ने यहाँ पर आगे टैक्स पे किया है, सप्लायर ने नहीं किया है, रिसिपिएंट ने किया है रिवर्स चार्ज के अंदर, तो वो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट में इंक्लूड होगा। फॉरवर्ड चार्ज तो हो ही रहा है, साथ में रिवर्स चार्ज भी यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है। मतलब कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कहाँ कहाँ कौन से एक्ट का ये इंक्लूड किया जा रहा है, ये किया जा रहा है सभी एक्ट्स का, यानी कि CGST का भी, SGST का भी, UTGST का भी, और अभी IGST की हम बात करने वाले हैं कि IGST कहाँ पर इंक्लूड होता है। IGST ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, अगर आपने कोई गुड्स इम्पोर्ट करवाए हैं, आप इंडिया के अंदर हो, US से अगर आपने कुछ इम्पोर्ट करवाया है, तो USA से इम्पोर्ट करवाने के बाद में आपने जो उसके ऊपर IGST पे किया है, क्या उसका भी आपको क्रेडिट मिल सकता है, क्या वो ITC की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है? Yes. तो अगर आपने फॉरवर्ड चार्ज में कोई टैक्स पे किया हो, आपने रिवर्स चार्ज में कोई टैक्स पे किया हो, आपने IGST के नाम पर कोई टैक्स पे किया होगा इंपोर्ट पर, इन सब को ITC की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। और सभी एक्ट्स का, सिर्फ CGST का नहीं, SGST का भी नहीं, UTGST का नहीं, तीनों का जो भी टैक्स होता है जो आपने फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज और IGST में पे किया है, वो यहाँ पर ITC में इंक्लूड होता है। बट क्या इंक्लूड नहीं होता है, यहाँ पर इंक्लूड जो नहीं है वो है कंपोजिशन टैक्स, यानी कि सेक्शन नंबर 10, 10वें सेक्शन के अंदर जो रजिस्टर्ड पर्सन है मतलब कंपोजिशन सप्लायर है, वो जो कंपोजिशन टैक्स पे करता है उसका ITC कभी नहीं मिलता है और वो ITC में इंक्लूड होता भी नहीं है। व्हाई? बिकॉज एक तो आप कंपोजिशन टैक्स ऑलरेडी दे रहे हो, मतलब कि आपको यहाँ पर कंपोजिट सप्लायर बनाया गया है, आपको पहले ही छूट दी गई है कि आप इतना कम रेट ऑफ परसेंटेज दे रहे हो, उसके बावजूद अगर आप कहेंगे मुझे ITC भी चाहिए, नॉट पॉसिबल। इसीलिए कंपोजिशन टैक्स को इस डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। अब दोस्तों ये हमने ITC की डेफिनेशन देखी, इसके बाद में जो सेकंड इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो हमको देखनी है वो है इनवर्ट सप्लाई की। ये इनवर्ट सप्लाई क्या होता है, मतलब ITC आपने किसके ऊपर दिया होगा, आपने टैक्स किसके ऊपर दिया होगा। हम बात करते हैं कि हमने कोई सामान खरीदा, जो हमने खरीदा है वो सब अंदर की ओर आया है, जो हमने बेचा है वो बाहर की तरफ गया है, तो उसे हम कहते हैं आउटवर्ड सप्लाई। तो इनवर्ट सप्लाई पर आपने जो भी टैक्स पे किया होगा वो आपका इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में आ जाता है। सो इनपुट टैक्स किसके ऊपर दिया आपने, इनवर्ट सप्लाई के ऊपर दिया। तो इनवर्ट सप्लाई क्या होगा, इनवर्ट सप्लाई इज रिसीट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रिसीट मतलब आपने लिया, आपने कोई गुड्स खरीदे, आपने कोई किसी की सर्विस ली है। सो रिसीट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय परचेस एक्विजिशन, दोनों चीजें आ गई यहां पे, कि आपने कोई चीज खरीदी हो या फिर एक्वायर की हो, क्या गुड्स या फिर सर्विसेज, विथ और विदाउट सी मतलब कंसिडरेशन। सो कंसिडरेशन के साथ में या कंसिडरेशन के बिना, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी होगी। विदाउट कंसिडरेशन भी अगर आपने कोई गुड्स लिए हैं, क्या वो सप्लाई हो सकते हैं,
यस बिल्कुल हो सकते हैं। ये हमने कहाँ पढ़ा है, हमने तीन शेड्यूल्स पढ़े हैं बच्चों, शेड्यूल वन, शेड्यूल टू और शेड्यूल थ्री। शेड्यूल वन में हमने पढ़ा है कि विदाउट कंसिडरेशन जो ट्रांजेक्शन है जिनको सप्लाई बोला गया है उनको डीम्ड सप्लाई बोला गया है, कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी हम उनको सप्लाई के डेफिनेशन में बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि अगर विथ है या विदाउट है, बिना कंसिडरेशन के लिए भी अगर आपने कोई भी परचेज किया है, एक्वायर किया है, तो वो इनवर्ट सप्लाई के डेफिनेशन में फिट बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि गुड्स क्या है और सर्विसेज क्या है, यहाँ पर आइए देखते हैं। अब यहाँ पर इनवर्ट सप्लाई हमने देख लिया है, इनवर्ट सप्लाई के अंदर बात ये आई है कि रिसीट हो रहा है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो हमको ये डिस्कस करना होगा कि यहाँ पर जो आप गुड्स और सर्विसेज बोल रहे हैं उसके अंदर आता क्या क्या है। सो जब हमने गुड्स की बात करी तो गुड्स यहाँ पर मेनली दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है सीजी जिसे हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स, और दूसरे हो सकते हैं इनपुट गुड्स यानी कि नॉर्मल गुड्स। तो सीजी गुड्स कौन होते हैं, ऐसे गुड्स हैं जिनको बुक्स के अंदर, किसकी बुक्स के अंदर, जो पर्सन इन चीज़ों की आईटीसी को क्लेम कर रहा है वो पर्सन ने अपनी बुक्स के अंदर जिन असेट्स को कैपिटलाइज कर रखा है उन असेट्स को कैपिटल गुड्स बोला जाता है। ओके और इनपुट, सो एनीथिंग अदर देन दिस इज इनपुट गुड्स, ये हुई डेफिनेशन। तो इनवर्ट सप्लाई के अंदर गुड्स और सर्विसेज दोनों को बुलाया जा रहा है, तो दोनों को लिया जा रहा है, सर्विसेज के अंदर क्या आएगा, एनी सर्विसेज, एनी काइंड ऑफ सर्विसेज जिनको बोला जाता है इनपुट सर्विसेज। सो इनपुट सर्विसेज यानी कि आपने यूज किया है आपके प्रोडक्ट को बनाने के लिए, आउटपुट निकालने के लिए। ओके सो यहाँ पर कैपिटल गुड्स तो वो हो गया जिसको आपने कैपिटलाइज कर रखा है अपने बुक्स में, और उसके अलावा जो भी दूसरे गुड्स है वो सब इनपुट गुड्स में हो जाएंगे। ओके तो इन तीनों को यूज किया जा रहा है, ठीक है, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, अगर इनको यूज़ किया जा रहा है ओनली फॉर योर बिजनेस पर्पस तो ही इनको इनवर्ट सप्लाई के डेफिनेशन में बोला जाएगा, और बिजनेस पर्पस के लिए जो असेट्स यूज़ किए जाते हैं इनपुट जैसे यूज़ किए जाते हैं उनका ही आईटीसी आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट हमने यहाँ पर समझा है, इसको हम और डिटेल में आगे देखेंगे। ये था हमारा इनवर्ट सप्लाई की डेफिनेशन, आइए कुछ एक दो डेफिनेशंस और समझते हैं इस वीडियो के अंदर, कंटिन्यूशन ऑफ द टॉपिक। अब दोस्तों यहाँ पर दो डेफिनेशंस और हम देख सकते हैं, पहला है एग्जम्प्ट सप्लाई। तो अभी तक पहले हमने देखा कि आईटीसी क्या होता है, आईटीसी के थ्रू हमने ये भी समझ लिया कि इनपुट टैक्स क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है, ये तो हमको पता ही है। उसके बाद में हमने देखा कि इनवर्ट सप्लाई क्या होता है। ओके सो इनवर्ट सप्लाई, ऑब्वियसली इनवर्ट सप्लाई जो भी है उसके ऊपर जो आप टैक्स दे रहे हो वो आपका इनपुट टैक्स है, और उसका जो क्रेडिट यूज़ कर रहे हो वो आपका आईटीसी है। तो तीनों डेफिनेशंस यहाँ पर कनेक्टेड हो गई। नाउ यहाँ पर रिसिपिएंट, अगर आप सोचते हैं कि रिसिपिएंट कौन होगा, तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पर इस तरीके से दी गई है, दो सिचुएशंस है, कंसिडरेशन है और कंसिडरेशन नहीं है। ओके अगर कंसिडरेशन है तो यहाँ पर रिसिपिएंट कौन होगा, जो कंसिडरेशन ऑब्वियसली पे करने वाला होगा वो। अगर कंसिडरेशन यहाँ पर नहीं है, मतलब कि अगर जो पैसा देने वाला इंसान नहीं है यहाँ पर, कंसिडरेशन नहीं है, तो जिसको डिलीवरी हो रही है या जिसको गुड्स पहुँच रहे हैं वो पर्सन यहाँ पर रिसिपिएंट हो जाएगा। एंड थर्ड सिचुएशन, ये तो गुड्स के केस में थी दोनों, सेम सिचुएशन सर्विसेज के केस में है कि जो सर्विसेज रिसीव कर रहा है वो पर्सन रिसिपिएंट हो जाएगा। सो अगेन ये रिसिपिएंट की एक छोटी सी डेफिनेशन हमने यहाँ पर देखी है। इसके बाद में एग्जम्प्ट सप्लाई, एग्जम्प्ट सप्लाई में क्या क्या चीज़ें कवर होती है, एग्जम्प्ट सप्लाई में तीन चीज़ें कवर होती है। सबसे पहले निल रेट पर यानी कि 0% पर, इसका मतलब क्या है कि 0% में, मतलब कि आज तो उस पर 0% है, आगे जाके फ्यूचर पर उस पर टैक्स लगा दिया जा सकता है बाय गवर्नमेंट। तो 0% के जो सप्लाईज है वो एग्जम्प्ट सप्लाई में आएगा। ओके इतना ही नहीं, जो पूरी तरीके से होली एग्जम्प्ट है जिसके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है वो भी इसके अंदर आएंगे, होली एग्जम्प्ट 0% वाले आएंगे। और ध्यान से देखिएगा, नॉन जीएसटी सप्लाईज यानी कि जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। अब इन दोनों में फर्क क्या हो जाएगा, होली एग्जम्प्ट है मतलब कि इनके ऊपर जीएसटी 0 है, मतलब कि बिल्कुल एग्जम्प्ट किया गया है, ये सप्लाई के डेफिनेशन में आ तो रहे हैं पर आपसे कोई जीएसटी नहीं लिया जाएगा। ओके नॉन जीएसटी मतलब कि वो जीएसटी के एम्बिट के अंदर ही नहीं आते हैं, जैसे एल्कोहल
जो है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, वो अभी जीएसटी के दायरे में आती ही नहीं है, सीधी सी बात है। तो ये तीनों चीज़ें एग्जम सप्लाई में यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। ओके, इसके अलावा एक और डेफिनेशन देखनी है, जीरो रेटेड सप्लाई, जिसे हम बोलते हैं ZRS। अब जीरो रेटेड सप्लाई होता क्या है? एक तो हम जानते हैं एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट को बोला जाता है जीरो रेटेड सप्लाई। और इसमें एक और चीज़ क्या इंक्लूड होती है, SEZ, यानी कि कोई भी सप्लाई मेड टू SEZ मीन्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो भी जीरो रेटेड सप्लाई बोली जाती है। सो इस तरीके से हमने अभी कुछ छोटी छोटी कितनी डेफिनेशन देख ली, हमने देख लिया रिसिपियंट, एग्जम्प्ट सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई। उससे पहले हमने ITC देखी है और इनवर्ट सप्लाई देखा है। इस तरीके से टोटल हमने 5 डेफिनेशंस यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करी है। ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर हमने डिस्कस किया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट में ओल्ड सिनेरियो में क्या होता था, इस सिनेरियो में क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया है। इसी के साथ में हमारा जो इंट्रोडक्शन है और ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर का जो टॉपिक है वो यहाँ पर ही समाप्त होता है। अब अगले वीडियो से हम जो क्रक्स है, यानी कि जो चैप्टर का मेन है सेक्शन नंबर 16, उसको हम यहाँ से चालू करेंगे। 16, 17 और 18 ये तीनों ही सेक्शंस हैं जो इस पूरे चैप्टर में हमको डिस्कस करने होंगे। 16 बहुत ही बेसिक बारे में बात करता है, जैसे वो बोलता है कि क्या एलिजिबिलिटी और कंडीशंस होगी अगर किसी को ITC क्लेम करना है तो। 17 और 18 और डिटेल में जाते हैं स्पेशल सर्कमस्टांसेस के बारे में, 18 बात करता है, और 17 बात करेगा कि अगर कोई भी ऐसे स्पेशल केसेस है जहाँ पर आपको अपोर्शनमेंट करना है तो उसका क्या होगा। तो इन तीनों ही सेक्शंस को इस वीडियो के बाद में हम कवर करते जाएंगे एक एक वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ ई कीड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। देखने के लिए धन्यवाद।